अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। तीजा नाच न चाहे इस चक्कर में मेरे तो कोई हाथ न आए। एक छोड़ दूजे को पकड़े तीजा नाच न चाहे इस चक्कर में मेरे तो कोई हाथ न आए। रबा दबा है मस्ती चाहत न कर दी सकती टेंशन में खाट करी है तुम है सिट्टी पिट्टी जिंदगी जिंदगी है पिट्टी पिट्टी जिंदगी है पिट्टी जिंदगी है पिट्टी एक भाग में एक भाग तू समझ ले मेरा पंडा आज रात को सारा मामला कर दूंगा मैं ठंडा। एक भाग में एक भाग तू समझ ले मेरा पंडा आज रात को सारा मामला कर दूंगा मैं ठंडा। अरे किसी पिटी है यारी उसमें भी मक्कारी हर चैन वैन की वाट लगी है गुम हुई सिट्टी पिट्टी जिंदगी यही रोक कहां कहां से लेकर आ रहा है कितना हुआ बोल 85 रुपया साहब हाँ ले खुश रहे बेटा अरे ओ साहब क्या है 35 रुपये और ना कहे के 35 रुपये कहे के 35 बोले तो जा ना बस ना और कितना लेगा अरे 85 रुपया होता ना साहब अबे एड़े किधर से आया बे तू किधर से आया बोले तो साले दूंगा एक चमार अरे ऐसे क्या बात करता है साहब मैं मेहनत का खाता हूँ थोड़ी ना आराम का खाता हूँ ऐसा नहीं है साहब चल रख ले चल फुट ले यहाँ से चल अरे मेरा मीटर एकदम सही है ये देखो पेपर देखो आरटीओ से लेके आया मैं देखो ना रसीद क्या है क्या है तो क्या है ले तेरी तो छोड़ मैं देखता हूँ तेरी जात का पैदा मारूं ऐसे मांग रहा साले किधर से आया बे तू भैये तोड़ साले का साले कहाँ हो सिद्धू
अरे बंसी भैया का बताए, 85 रुपया हमारा होता है और ये साला दादागिरी दिखा रहे हैं ऊपर से। नहीं होता उधर से इधर आने तक। अच्छा आराम से आराम से आराम से आराम से क्या, कौन से गांव से आ रहे भैया? नहीं देखा बिरजू भैया, देखो ना एक और भैया आले, सुन इसकी। यूपी में भैया का मतलब होता है बड़ा भाई। तो भैया बोलते हो और बेइज्जती भी करते हो। अबे तेरी इज्जत की चल भाई, तेरा पैसा वैसा चल। ए भैया हमारे यूपी में एक कहावत और है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तुम्हारी महतारी का चूल्हा गर्म कर साले का, ये पकड़ पकड़ पकड़। अरे भैया रुको रुको, पैसे ले लो। अब इतने की ठुकाई नहीं हुई जितने का लहंगा फट गया। क्यों बिरजू भैया? बिल्कुल ठीक कहा, इसका यही हाल होना चाहिए था। चलो रे सब। छक्का! अबे छक्का होगा तेरा बाप। अबे ये बाल किसको मारा रे? ए ले ले, बॉल देना। तुझे इच्छा दूंगा कान के नीचे घुमा के। ले ले क्या होता है? ठीक है ए सीआर, बॉल देना। ए सीआर वो वाला नहीं, सीआर बोले तो चंदन रमेश ले ले, MMRDA। मालूम है ना तू किससे बात कर रहा है? बॉल देना, बोल बच्चन मत दे, बॉल देना। मैं देता ना बॉल, एक बार रूपा से प्यार से कहलवा दे, ले ले बॉल देना। आए हाय ए चंदन, ज्यादा चीपू मत कर, नहीं तो ये बल्ला देखा है ना, इसे से यही दो डालेंगे, वो भी बिना साबुन के। मैं देता ना साबुन, पूरा धो डाल। कितनी बार कहा है कि हमसे मुंह मत लगाया करो, वरना ये झाड़ू देखा है ना झाड़ू, ऐसे पिछवाड़े में डालेंगे ना कि सीधे बांद्रा पहुंच जाएगा। चार छह तीली कम कर लेना, मेरे को तो अंधेरी तक जाना है। अपनी जोड़ू तो संभाली नहीं गई, बस दूसरों की छेड़ने का मौका चाहिए। तेरी इसी हरकतों की वजह से तेरी जोड़ू तुझे छोड़ के भाग गई है। अब जाना, मुँह क्या देख रहा है, कोई काम भी नहीं करने देता। सुबह सुबह ले ले। What the hell is going on? Where are juniors? Juniors कहाँ है? साले सब के सब यहाँ पे आलसी है। आज शूटिंग करनी है कि नहीं? साला एक असिस्टेंट सेट पे नहीं है। मैं इधर क्या झक मार रहा हूँ? हाँ? वो एडी का बच्चा किधर है? ए चलो रे, ये 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 हट रे। ए ब्रदर्स प्लस सिस्टर्स ऑफ ब्रदर्स, शॉट देने चले, डायरेक्टर बुला रहा है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाउ आर यू सर? बस आप ही का इंतजार कर रहे थे सर। सर वी आर रेडी, प्लीज सर आप मेकअप करा लीजिए। सबसे पहले हम वो रिंग पहनने वाले सीन से शुरू करेंगे। टू मिनट्स शॉट वन टेक वन एक्शन। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मेरे दिल में एक आवाज आई थी कि तुम ही वो लड़की हो जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता हूँ। तुम्हें पता है जब मैं पिज्जा खाता हूँ तो मुझे तुम्हारी शक्ल उसमें नजर आती है। काट 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 काट। ए, ओ ए सेकी हसीना, अरे अपने मुंह से कपड़ा उतार, अरे तेरे को बोल रहा हूँ उतार। सर सर वन मोर प्लीज। टेक टू एक्शन। जब मैं खाना खाता हूँ प्लेट में तुम्हारी शक्ल नजर आती है, यहाँ तक कि बाथरूम किचन। काट 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 काट। Hey Subi, what the hell यार? I'm tired of this shot. ए साले मादर पकड़ एडी, हाँ तू क्या कर रहा है? मेरा बाप कंटिन्यू नहीं देखेगा, जूनियर आर्टिस्ट के मुंह पे कपड़ा मेरा बाप देखेगा। इसको कहाँ से उठा के लाया? अरे तू उसको बाहर उठा के फेंक, नहीं तो मैं तेरा मेकअप करता हूँ। अरे तेरे बदन से कपड़ा हटाने को नहीं बोल रहे, मुंह से कपड़ा हटा, चल
सर बदन से कपड़ा हटा सकती हूँ, मुंह से नहीं। ये चिल्को से के एक्टर्स कंटिन्यूटी मैनेजर होते क्या तुम लोग? हे एडी, व्हाट इज दिस यार? ए नैना, कितनी बार बोला तेरे को मच मच नहीं चाहिए, चलो शॉट्स मार दो, शॉट्स मार दो, आउट आउट इज ऑल दिस मैन। मार जा यार, खुद भी निकलेगी, मुझे भी निकलवाएगी। गेट आउट! तुम्हारी ये हिम्मत कि तुमने मुझे उंगली दिखाई? हाँ, सुभाष कक्कर को, अरे मैं तुझे इंडस्ट्री से आउट कर दूंगा, आउट! नैना जी, आप पे डायरेक्टर साहब बहुत भड़के हुए हैं। भड़के? मेरे को उससे क्या लेना, इडियट। अच्छा, आपको आज की पेमेंट लेनी है जो आप शायद भूल गई, पर मैं नहीं भूला, प्रोडक्शन वाले से लेकर आया। ओह थैंक यू। साला चाय भी बकवास। मैं तेरे को नैना एक चीज बताऊं, तू जूनियर आर्टिस्ट है ना बाबा, तो जूनियर आर्टिस्ट बना के रखना यार अपने आप को। मेरे मकाम तक पहुंचे तो मुझे समझेगा, अभी किसी को क्या खबर है कि मैं किस दौर की हवा हूं। और एडी, तू तो जानता है मैं हमेशा के लिए जूनियर आर्टिस्ट बन के नहीं रहूंगी, मैं एक दिन मेन लीड हीरोइन बनूंगी। वाह मेन लीड हीरोइन, मेरी माँ, ऐसे ब्रेक नहीं मिलता है। मुझे देख, सिक्स असिस्टेंट लगा था और आज क्या चीफ बनाऊ, तब भी कौन मेरे पीछे मेरे साथ चल रहा है, चीफ असिस्टेंट। साला ऐसा लगता है डायरेक्टर बनने का सपना साला सपना ही रह जाएगा। एडी, तेरे सपनों में ताकत नहीं है इसलिए हकीकत नहीं बन पा रहे, लेकिन मेरे सपनों को मैं एक दिन सच बना कर रहूंगी। वॉच। नैना, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। सिर्फ कॉन्फिडेंस, बाकी सामान भी लाइक करने वाला है मेरे पास, हेडलाइट, बम्पर, फेस कलर, लिप्स, स्माइल, सब है। देखना, जिस दिन मेरे को एक मौका मिलेगा ना, मैं स्क्रीन को फाड़ के रख दूंगी। वाह यार नैना, चल मेरा तेरे से ये वादा है हा? कि जिस भी दिन मैं डायरेक्टर बना, अग्नि कसम खा के कहता हूँ कि जिस भी दिन मैं डायरेक्टर बना, मैं तुझे एज अ हीरोइन साइन करूंगा। ओह तेरी, एक सेकंड, सॉरी, वो फोन, फोन वाइब्रेट हो रहा है। हेलो, सॉरी, हेलो, हाँ हाँ, कौन बोल रहा है? अरे सर, अरे सर, आप दिल्ली? आई प्लानेट सर, मैं कुछ नहीं सर, मैं आ जाता हूँ। ग्रेट सर, थैंक यू सर, जय माता दी सर, जय माता दी। अरे नैना, तू तो मेरे लिए बिल्कुल कोई लकी मैस्कॉट के जैसे निकली है। अभी तुझसे बात की कि तुझे एज ए हीरोइन साइन करूंगा, और यहाँ से प्रोड्यूसर का फोन आ गया, दिल्ली बुलाया उसने मुझे, चार चार कॉलेजेस हैं उसके। लकी मैस्कॉट को साथ नहीं ले जाएगा तो बात कैसे होगी? ओह माइंड ब्लोइंग। ए बिरजू, कितना लेट कर दिया ना आज तूने मुझे। अरे माधुरी, तेरे को तो पता है ना मुंबई का ट्रैफिक कैसा है। अरे अभी ले, चल भी सही, ये ले, तेरे को अभी दो मिनट में पहुंचा। तू भी ना, बहुत रोड का बहाना बनाना बंद कर, जल्दी चल, मुझे देर हो रही है। क्या क्या देख रहा है चूतिए? अरे तेरे को ही देख रहा है माधुरी, रोज आती है, कपड़े बदलती है और मस्त आइटम बन के अपने काम धंधे पे लग जाती है। साला बहुत चालू आइटम है तू। हाँ, करना पड़ता है बिरजू, घर में और काम में डिस्टेंस रखना चाहिए, वरना घर की इज्जत का काम तमाम हो जाता है और मोहल्ले वाले काम करना हराम कर देते हैं। ऐसा क्या? ठीक है, तू कहती है तो मान लेता हूँ। क्या है, आ रहा हूं ना। क्या है,
मेरे को तेरे से कुछ बात करनी है। बोल क्या बात करनी है, बोलना। तू बैठ के कहीं को मुतरा था रे? अरे पिछले हफ्ते हर्निया का ऑपरेशन हुआ था ना, तो डॉक्टर ने भारी चीज उठाने को मना किया है। तू बोलना तेरे को क्या बात करनी है। बात क्या, दो दिन का पैसा बाकी है मेरा, कभी देगा? दिन का नहीं रात का। क्या ये तेरे को कितनी बार बोला है सिगरेट मत पी, तेरे मुंह से सिगरेट की बास आती है। ग्राहक को लगता है वो तेरा मुंह नहीं एस्ट्रे चाट रहा है। जो भी है, कस्टमर से तो पूरा पैसा ले लिया होगा ना तू? फिर खुद को हवलदार समझती है क्या? ये देख, खुद लेटना आसान है लेकिन साथ में लेटने वाले को ढूंढना बहुत मुश्किल है, समझी ना? अबे साले, वो माधुरी को तो रोज रात को पैसा देता है, मेरे को काहे को नहीं देता है? क्योंकि तनख्वाह टाइम पे मिलती है, पेंशन नहीं। क्या? अरे उसको देख, ऐसा लगता है जैसे अभी अभी कॉल सेंटर में नौकरी मिली है, और खुद को देख लगता है रिटायरमेंट के चौखट पे खड़ी है। ए, ए, चल चल, तीन दिन का साथ में ले लेना। क्या साला, चल रे, चल ये चलना, भागना भागना। ए चल हट साला हरामी। ए तेरे को हरामी बोल रही है, भाग 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 जल्दी। गुड इवनिंग सब, कैसे है, ठीक है ना? क्या रे मोटे, इस शहर में हमें मिले तुझे चूतिया बनाने के लिए? नहीं, कल तूने वो लोंडिया की जगह 6 नंबर क्यों भेजा? सारी रात साले गली डंडे की जगह क्रिकेट खेलता रहा मैं। अरे साहब, सुबह सुबह तो फोन पे ले लिया, वापस काय को ले रहे हो? इसलिए ले रहा हूँ कि नोट देता हूँ तो फिगर भी शुगर वाला मांगता हूँ। अरे साहब, रात को आपने इतना लेट फोन किया कि सब शक्कर खत्म हो गया था, गुड़ था तो सोचा भेज दूं, कुछ तो मीठा हो जाए। है कि नहीं? चल जाने दे। अच्छा ये बता, माधुरी कहाँ है? अरे साहब, उसको सुबह ही बोला है, अभी आती होगी। एक मिनट फोन करता हूँ, एक मिनट। बोल मोटे। अरे है किधर? आ रही हूँ ना, थोड़ा सबर पकड़। अरे सबर कैसे पकड़ू, कस्टमर ने एक हाथ से मेरा गला पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से अपना। इसीलिए कहती हूँ तुझे, कमीने धंधे में ईमानदारी ज्यादा जरूरी है। गरीब लड़कियों को पैसा मत मार, वरना किस्मत तेरी मारेगी। हाँ मालूम है, ज्यादा बोल बचन मत दे, जल्दी आ, खड़ा है इधर। ए मोटे। कस्टमर। बोला ना आ रही हूँ, रिक्शे में हूँ, बंद कर फोन। सारा कुत्ता, जब पिछवाड़ी आग लगती है ना तो पानी ढूंढता है। तू भी ना। बस अभी पहुँच रही है। अरे ये माधुरी कितनी देर से खड़ा है, तेरे को मालूम है ना, शर्मा खुश होगा तो बख्शिश देगा। बख्शिश लेना भड़वे का काम है। पेमेंट। अरे मिल जाएगा, रूम पे पहुंच तो सही। चल चल बिरजू, निकल। तेरे को अंडा भेजने को बोला था ना? अरे टमाटर का क्या हुआ? कमरा देना जरा। अरे जल्दी डिलीवरी करना। हाँ चल चल चल, जल्दी बच चल। क्या जाको? अरे शर्मा जी, आपका तो डबल बेड है। हाँ तेरे को मालूम ही है। जरा एंट्री कर दो साहब। अरे ये सब काय को यार, अरे बहुत खिचपिच चल रहे आजकल। टच मी। और सब बढ़िया? हाँ एकदम फंटेस्टिक। चल। फील मी। ओके जल्दी से कॉन्डम भेज। चला जो कम सिंगल बेड में हो सकता है, डबल बेड का पैसा। हतरी माँ का। आज फिर यही क्या यार? माधुरी आखिर तुझे मेरे फ्लैट में प्रॉब्लम क्या है? अरे साहब, अपन को प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बनना, अपन पब्लिक प्रॉपर्टी ही ठीक है। और वैसे भी मार्केट का दूध मार्केट में ही पी लेना चाहिए, गर्मा गर्म। वो है क्या? वो क्या? रबर। ओ अरे हाँ है ना, ला दे ये ले। बेकार है, इसे अपनी कार के टायर पे चढ़ा ले, स्मूथ राइड देगी। अच्छा ये ले। ये क्या है, नया ब्रांड आया है? बहुत पुराना है, मगर सिर्फ समझदार लोगों को ही पता है। जल्दी से पहन ले, टाइम खोटी मत कर। जल्दी कर। ए भाई लोखंड वाला चलेगा क्या? अबे अंधा है क्या, दिखता नहीं, अंगेज है, चल निकल। कहाँ से चले आते चूतिये अंधे। बिरजू यार कोई एक जोक सुना ना फर्स्ट क्लास। मोटा तेरा पेट नहीं भरता जोक सुन सुन के, जब देखो जोक सुना। अच्छा सुन, एक आदमी अपने बॉस के ऑफिस के बाहर जाके रोज टट्टी करके आता था सुबह सुबह। तो एक दिन बॉस को गुस्सा आया, फोन उठाया और लगाया, क्या वे चूतिया तेरे को गांड पे लात मार के निकाला साले, उसके बाद भी यहाँ पर रोज हक्के जाता है मेरी ऑफिस के बाहर, क्यों? मालूम है क्या बोलता है? बॉस आपको ये बताने के लिए कि मैं आपका जॉब छोड़ने के बाद भी भूखा नहीं मर रहा हूँ। अबे मोटे वो देख, अजना बंद कर और तेरे क्लाइंट को पकड़, वरना तेरा कमीशन भी चला जाएगा। पकड़ पकड़।
साहब 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 मेरा कमीशन। कमीशन? हाँ। कल तूने मुझे वो 6 नंबर का आइटम भेजा था ना। हाँ। कमीशन दिया था। हाँ हाँ। आज का समझ के रख ले। अरे भेंडी, ये तो मेरी मार गया, वो भी बिना पैसे के। माधुरी माधुरी ए माधुरी 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 पेमेंट दिया क्या? ए पेमेंट के बगैर माधुरी किसी को जाने नहीं देती, और ना ही चल। मेरे को तो सैलरी ने कमीशन भी नहीं दिया। अच्छा, अरे सुन 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 ए सुन, अरे 2500 रुपये में से कुछ तो देके जाना। मोटे मैंने कितनी बार कहा कि मुझसे पैसे नहीं मांगने, जो भी चाहिए सीधा कस्टमर से जाके ले। लेकिन नहीं फोट। अरे माधुरी चल बैठना, इसका क्या, ये तो पूरी रात पकाएगा साला मोटा। तो बहुत जल्दी में आज बिरजू। अरे माधुरी तेरे को बोला था ना मैं, शाम को मेरे को शादी में जाने का है। थत, भूल गई मैं, एक बार अंदर जाने से पहले याद दिलाना चाहिए था ना बिरजू। अगर तेरे को याद दिलाता तो क्या तू उसको अंदर KLPT करके आती? हाँ नहीं, साले को मंजिल पे जल्दी पहुंचा देती। चल छो, तू अपना मूड खराब मत कर, ये रख, मुझे घर ड्रॉप कर और जाके शादी पे मौज कर। जो आए धड़कन मल्हार गाए, ओ दो सामने जो आए धड़कन मल्हार गाए, गिर गिर करे जबाई को तो तेल लगाने जाए, और ऐश करेंगे करेंगे मौज करेंगे, हाँ ऐश करेंगे मौज करेंगे, माला प्रेम चला गली बीमारी, कर ले दिल से दिल की यारी, कर ले दिल से दिल की यारी, भाड़ में जाए दुनिया सारी, कर ले दिल से दिल की यारी, भाड़ में जाए दुनिया सारी, कर ले दिल से दिल की यारी, भाड़ में जाए दुनिया सारी। गिरवी या घर गिरवी, हो ऑटो गिरवी या घर गिरवी, आई शब्द मला पाई जे विश्की, मैं फिगर टल्ली हो जाऊं, मुझे फिक्र फिक्र ना है किसकी, छोड़ तू सारी जिम्मेदारी, फाड़ में जाए दुनिया सारी, कर ले दिल से दिल की यारी, फाड़ में जाए दुनिया सारी, कर ले दिल से दिल की यारी, फाड़ में जाए दुनिया सारी। सर पर है सहरा दूल्हे के सर पर है, दुल्हन का पांव ना जमीन पर है, रह दो न सलामत दुनिया में, शादी का चर्चा घर घर है, यार करे घोड़े की सवारी, यार करे घोड़े की सवारी, भाड़ में जाए दुनिया सारी, कर ले दिल से दिल की यारी, भाड़ में जाए दुनिया सारी। सामने जो आए धड़कन मल्हार गाए, किर किर करे जबाई को तो तेल लगाने जाए, और ऐश करेंगे करेंगे मौज करेंगे, हाँ ऐश करेंगे मौज करेंगे, माला प्रेम चला गली बीमारी, कर ले दिल से दिल की यारी, कर
कर ले दिल से दिल की यारी, फाड़ में जाए दुनिया सारी। कर ले दिल से दिल की यारी, फाड़ में जाए दुनिया सारी। कर ले दिल से दिल की यारी, फाड़ में जाए दुनिया सारी। कर ले दिल से दिल की यारी, फाड़ में जाए दुनिया सारी। अबे रुक 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 रुक, कहाँ जा रहा है? ए रुक। अरे कितनी बार समझाया है, हमारी बात तो सुनते नहीं हो, आप भूख दो। अरे चुप कर मेरी माँ, इसमें प्रशासन की क्या गलती है, सेटल करके आने दे हमको। पहले खुद को तो संभालो। देखो कान खाती रहती है। बढ़िया है, सेटलमेंट करने वाले। सब गाड़ी क्यों नहीं रोक रहा था? वो सब ब्रेक थोड़ा सा कम लगाया था। ब्रेक कम है तो गाड़ी क्यों चला रहा तू? हाँ वो सर क्या है ना, वो सर क्या, सर ये गाड़ी नहीं रोक रहा था। नहीं नहीं साहब, सलाम साहब, मैं रोक रहा था, ब्रेक थोड़ा देर से लगा। किधर? वो अंदर ही अंदर ही। जमाइला तुम आता किधर से? वो सर कांदीवली से आ रहा था, गोटिया की शादी थी ना, शादी से आ रहा हूँ। शादी? हाँ हाँ सब। अच्छा शादी से हनीमून से? हा? अरे साहब औरत है साहब। कितनी लोकांची? अरे साहब मेरी औरत है, शादी मनाई है मैंने उससे घर वालों की पसंद से। जमाइला अभी सुन अब्दुल, रिक्शा वालों का नया फंडा, आइटम लोग का बीवी बोलने लगे अभी। अरे साहब बोला ना, आपकी कसम साहब मेरी औरत है। मेरी कसम खाएगा साले? मुखोल। नहीं नहीं साहब एक मिनट साहब। दारू पिया? अब तू गया अब्दुल। छोड़ो ना साहब, छोड़ो ना साहब, जाने दो ना साहब, प्लीज प्लीज। साहब मैं बोला था ना आपको मेरी औरत है। तू अंदर बैठ। आइए सर, कुछ नहीं हो सकता इसका। साहब कुछ ले दे के छोड़ दो, गलती हो गई, माफी दे दो प्लीज। छोड़ दूं? खत्म करो ना। 2000 ये लो साहब। ये क्या है? 2000 बोला, 200 नहीं, एक जीरो ही तो कम है ना साहब। अब्दुल बहुत बड़ा हीरो है ये। जाऊं? ओके ओके सर। ओए सुन 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 सुन, अभी 50 उठक बैठक मारने का है। क्यों सब पैसे तो दे दिए ना, उठक बैठक क्यों? पैसा तेरे को छोड़ने के वास्ते, और उठक बैठक आज के बाद दारू नहीं पिएगा उसके लिए। नहीं नहीं पीऊंगा, कसम खाता हूँ नहीं पीऊंगा। जाने दो ना साहब, औरत साथ में बेइज्जती हो जाएगी, बहुत बेइज्जती हो जाएगी साहब। चला औरत के सामने दारू पीता है तभी तेरी इज्जत बढ़ती है? चल शुरू कर। अच्छा शुरू कर, नहीं तो 50 का 100 करता हूँ। ओके 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 साहब, मैं 50 लगाता हूँ। ठीक है ओके 50 लगाता हूँ। अब्दुल बराबर काउंट करना। यस सर। शाबाश। 2 8 40 हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। बस बस यही दिन देखना बाकी था और कुछ नहीं। अरे इसमें चुप, आप तो बिल्कुल बात ही मत कीजिए हमसे, जरा भी शर्म आई वापस आपके सामने उठक बैठक करते हुए, आप तो बस यही करते। अरे इसमें प्रशासन की क्या गलती है, हमको चढ़ गई थी थोड़ा तो क्या हुआ? मना क्या था ना, लेकिन हमारी कहा सुनते? हाँ मत सुनिए, हमें पता है अब उसमें सारी गलती हमारी है। रूपा एक बात कहें तुमसे, भगवान कसम बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। गाजरों में ना गुठली मिलाने की कोशिश भी मत क्या करो, बता ही देते हैं हम। इनका ना एक तो इतनी बेइज्जती करवाई है, ऊपर से इस बेइज्जती का एहसास भी नहीं है। सो नीचे। सो रहे हैं, गरम मत तो हमारे ऊपर। सच कह रूपा माँ कसम, गुस्से में तुम्हारे आगे कैटरीना के फेले। सब समझ में आ रहा है हमको, घड़ा रखा है इधर। अरे घड़ा और कैटरीना, घड़ा और कैटरीना का क्या करेंगे हम, घड़ा और कैटरीना का है? कुछ करना नहीं है, दारू समझ के पियो और सो जाओ। सो जाओ
पक्का सो जाऊं। बहुत गुस्से वाली है हमारी औरत, इससे पहले कि मारे चुपचाप सोता। अब ठीक है। कितनी बार कहा है दारू मत पिया करो, लेकिन हमारी बात क्यों माना? हाँ, सुनते ही नहीं, जब देखो तब दारू पी के आ जाते। क्या है? अरे सुनेगी भी के क्या है? हाथ मत लगाना। अरे पत्तियों में तेरा कोई अरा गरा नहीं हूँ, समझी? तो क्या करे? हाँ मान जाना। अरे कितनी बार कहा है दारू पी के हमारे पास मत आए करो, बास मारता है हमको, हटा हमारे पास से। मैं भी मुंह धो के आता हूँ, तंत्र मंजन भी करता हूँ, और तू बोले तो ना भी लेता हूँ बस। फिर भी आया तो हटना, तंग करके रख दिया है। साला इसको बास आता है हमारी औरत को, तंग करके रखा है। तू एक मिनट इधर ही रुकना, हम अभी आते। जा यहाँ से। हाँ हम अभी आते हैं, तू इधर ही रुक। साला बास आता है हमारी औरत को, है? साला इतना पैसा खर्चा हो गया, औरत बोलती है पति नहीं हो गया कि पता नहीं क्या। अभी इंतजाम करते हैं। अब ठीक है। हेलो। सुधरेगा नहीं। अरे अब तो तेरा बद्दू का टेंशन खत्म हो गया ना, अब तो मान जा। ये सब करने का ना बराबर सोचता है, लेकिन दारू नहीं छोड़ सकता, बास मारता है। अरे कितनी बार कहा है मत पिया करो, और सुन लो बता देते, आज के बाद अगर दारू को हाथ भी लगाया। ठीक है नहीं लगाएंगे, चल तो हमको हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। ठीक है नहीं लगाएंगे, नहीं तो बोतल में ही घुसर देंगे, उसके साथ ही सुहागरात मनाते रहना। बास मार रहा है। अरे इसको बंद करो, बोला ना बास मार रहा है। अरे तो तेरे को पप्पी कैसे लेंगे? ए चलना जल्दी, कितना भरेगी, कितना टाइम लगाएगी, बोलना इसको। ए क्या कर रही है, सारा पानी तू ही भरेगी क्या? एक बाल्टी भर ली ना, चल भर। ए सुबह सुबह हमारा दिमाग मत खराब करो, नहीं समझ। एक बाल्टी में क्या दो जनों का नहाना धोना सब हो जाता है? अरे तो रोज रोज नहाना जरूरी है क्या? हमें भी तो पानी चाहिए ना, अब चल हट यहाँ से। अच्छा तुम रहती होगी लिचड़ों की तरह, हम नहीं रहते, हम रोज नहाते हैं। रोज रोज तो वो नहाते हैं जो गंदे होते हैं, हम तो साफ रहते हैं, इसलिए हफ्ते में एक बार नहाते हैं। वैसे भी शेर अपना मुंह रोज रोज कहाँ धोता है? अच्छा कुत्ते भी मुंह नहीं धोते, लेकिन हम इंसान है ना, इसीलिए इंसानों की तरह बर्ताव करना पड़ता है। महारानी रूपा, चाहे जितना मर्जी तू नहा ले, लेकिन तू रहेगी रिक्शा वाले की लुगाई ही ना। ए चुप करो रे, छोटे बड़े की शर्म और लिहाज है कि नहीं? और रूपा तू फिजूल में इन लोगों के मुंह क्यों लगती है? हाँ तू नहाने के लिए मेरे घर आ जाया करना, पानी हमेशा रहता है मेरे बाथरूम में, और तू कहेगी तो बाथरूम की कुंडी भी लगवा दूंगा, ताकि साला कोई ताका झांकी ना कर सके, लूज कैरेक्टर। ये ले ले। हाँ बोल डालिंग। अपने बाथरूम में जाके ना अपनी माँ बहन को नहला, और ये जितने कड़ी लगाने का खर्चा है ना वो भी बच जाएगा। सुबह सुबह हमारा दिमाग मत खराब करो। अरे ये ले तू, मरी जा रही थी, पानी मरी जा रही थी, पर पानी रूपा को नाराज कर दिया। रूपा ए ले ले। हाँ मैं आऊँ क्या तेरे घर? मैं आऊँगा तेरे घर, मैं नहाना क्या करेगी? मेरा घर कोई धर्मशाला है? पानी भर सीधे, दिमाग खराब कर रहे हो तुम लोग। यह रहकर ना हम परेशान हो गए। अरे क्या हुआ, काहे गरम हो रही हो सुबह सुबह? अरे वही रोज का चिक चिक, पानी के लिए झगड़ा। अरे पानी नहीं हो गया जैसे पेट्रोल हो गया। अगर घर में एक नल होता ना तो हम जाके गंगा नहा लेते। अरे बहुत जल्दी तुम्हें ऐसा घर मिलने वाला है जिसमें एक नल भी होगा और 24 घंटा पानी भी। सुबह सुबह मजाक? अरे नहीं पगली, हम तुमसे मजाक नहीं कर रहे हैं, बहुत जल्दी माड़ा इस बस्ती को खरीद रहा है। सच्ची? हाँ। दिल्ली 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 दिल का शहर लगे सानू भी प्यारा दिल्ली, सानू कोई ना फिकर
हाँ कितना हुआ? 110 रुपया भाई साहब। हैं? क्या मुर्गा फंसाया तूने? हाँ और भी तो क्या? ऐसे बहुत मुर्गे पड़े हैं दिल्ली में। चल आजा। चलो। Excuse me? Yes sir. How may I help you? Yeah, मैं my name is Harry. मैं खन्ना साहब से मिलने आया हूँ from मुंबई। Mr. खन्ना से आपका appointment था? जी कल रात उन्होंने खुद मुझे कॉल करके बुलाया। ओह आई एम सो सॉरी सर बट मिस्टर खन्ना तो कुछ जरूरी काम की वजह से देहरादून चले गए। देहरादून कब तक आएंगे? होपफुली 3 दिन में आ जाना चाहिए मैम। 3 दिन? अरे क्या साहब, अरे नहीं नहीं साहब, 10 के नीचे कुछ नहीं होगा। नहीं मेरी बात मानो, 10 के नीचे ठीक है ठीक है। हाँ हाँ ठीक ठीक है ठीक है। हाँ हाँ साहब। हाँ ठीक है। क्या ये ले साहब, आप आगे जाओ मैं पहुंचता हूँ। ओके। वो तो एकदम कौला है रे, अभी लगता है शादी भी नहीं हुई होगी। अरे इसलिए तो इधर आता है। अपने देश में वोटिंग करने की उम्र 18 है और शादी करने की 21 है। मतलब 18 साल का आदमी देश चला सकता है, लेकिन इसके लिए 21 चाहिए है कि नहीं? मैं जाऊँ क्या उसके पास? अरे नहीं रे, वो पैसा अच्छा देता है ना, तो माल भी अच्छा भेजना पड़ता है। चल हट हलकट साला। हलकट बोली साली, दिखती है प्रेम चोपड़ा जैसी, खुद को प्रियंका चोपड़ा समझती है। ए मेरी अम्मा, तू इधर काय को मेकअप कर रही है? वो 5796 वाला तेरा इंतजार कर रहा है, जाना जल्दी। क्या रे फिर से वही लुक्का? अरे वो लुक्के के पास हुक्का है, जाना जल्दी। ठीक है जा रही हूँ। नाटक कर रही है ये माधुरी का नहीं यार। ए बिरजू, ये माधुरी आज एकदम कौला माल है, रूम पे जल्दी पहुँच जा। ठीक है चल बिरजू। क्या चाहिए बेटा? जी वो एक बेड। बेटा कुआ खोदने के लिए मूंगफली नहीं, ड्रिल मशीन चाहिए, ड्रिल मशीन। चल साइन कर, इधर साइन कर। चल पैसा दिया कि नहीं पापा ने? हाँ हाँ बहुत है। शाबाश छोटो, 14 नंबर पे पानी बज रहे हैं। अधूरी जरा धीरे चलना, पैर में संभलना। ले माधुरी ये ले, लगा ले। क्या फर्स्ट टाइम है क्या? हाँ लड़की के साथ तो फर्स्ट टाइम ही है। मतलब गे है? नहीं बस आज तक खुद की कंपनी में ही एंजॉय किया है। ओह मतलब आज तक हाथ गाड़ी चलाई है? कुछ ऐसा ही है। ठीक है आज मर्सिडीज चला ले, चल इसका भी मजा ले, तू भी क्या याद करेगा। अरे भाई लोगों एक जोक याद आया, बहुत कमाल का जोक याद आया। मोटा सुन। हाँ। एक आदमी था, उसको बहुत तेज हिचकी आई और हिचकी के साथ साथ साले का पाद निकल गया। पाद निकला तो मालूम है क्या बोलता है? साला सोचने वाले ने तो याद करने वाले ने तो गांडी फाड़ दी। मोटा वो देख पवार। चला चला उतरा फटाफट, चलो चलो उतरो। ए छोटो साहब को चढ़ दे जल्दी, चल चल। क्या छोटो जिप बंद कर। जोक। ए जाधव काढ रहे सगळ्यांना बाहेर। ए मोटे किधर रे, बारीक हो गया बहुत। हाँ तेरा चल रहा है कि नहीं किसी के साथ? लो मैं मेरे को देख के किधर कट रहा था चमाइला किधर? हाँ मुतने को जा रहा था। अभी हो गया ना, निकल चल निकल। चल बहन चोद ले सब अंदर, चल बाहर से जाना, चल 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 चल।
जल्दी जल्दी माधुरी क्या खाती है तू एक बार देख तो ले इधर करंट लगा पावर को करंट कौन है रे इसके साथ जादव ए गिल्ली का डंडा किधर है रे अरे सावन बुला उसको ए चल बाहर निकल चल घूने आंट तेला चल उधर खड़ा हो जा सर ये साला आजकल का बच्चा लोग भी झुनझुने से शहनाई बजा रहे हैं हाँ? आजकल इंटरनेट से सब इंटर का कोर्स कर लेते हैं नाम क्या तेरा है अब कान में लौंगी लगाए क्या नाम पूछ रहा हूँ नाम क्या है जी संस्कार थू साला नाम सूट करता तेरे को है? ये संस्कार दिया इसके बाप ने संस्कार बोले नाम चमाला क्या है ब्लैकबेरी है ये अच्छा है आजकल के लड़कों में गूदे में दम होना हो फोन दमदार होना चाहिए मस्त है मुझे एक फोन करना है मुझे एक फोन करना है वॉल्यूम नीचे अरे आंख भी नीचे ऐसा कुटर कुटर देखने का नहीं क्या देखने तो फोन में हट चढ़ो क्या क्या फंक्शन है बगू या सर ये अपना काम का चीज है जादो हाँ सर पता कर कितना लेती है क्या किसको फोन करने का रहा तेरे को कच्चा लिंबू आरे शिंदे जी को कौन आरे शिंदे सर ये यहाँ के एमएलए की बात कर रहा है तेरा क्या लगता है जी वो मेरे डैड है उधर सांगा ऐसा ना जादव आजा कोई बात नहीं पहले बोलने का रे अरे यार तू शिंदे जी का बेटा होके तू रंडियों के बीच में अच्छा लगता है क्या कल भविष्य में तू नेता बनेगा अपने गाड़ी के ऊपर रेड लाइट लगाकर घूमेगा आज तू रेड लाइट एरिया में घूम रहा है गलत बात है रे इसका क्या रंडी का तेरे को ये मंडी में नहीं आना चाहिए पापा को पता चलेगा तू अभी चल जा तू घर पे जा और पापा को क्या बोलेगा इंस्पेक्टर रमाकांत रांगुजी पवार मिले थे उन्होंने नमस्ते बोला है वो समझ जाएंगे क्या अभी चल जा और हाँ सुन अगली बार मन किया ना इधर नहीं आने का इंस्पेक्टर अंकल को एक फोन करने का होम डिलीवरी करवाएगा मैं क्या पिज्जा से पहले पहुंचेगी रजिया और तेरे पिज्जा से ज्यादा गर्म भी होगी सुरसुई एकदम क्या चल जा अभी शर्मा मत निकल और उड़ू सा साला ए जग्गू सेठ क्या किधर था इतना टाइम तू भी ले रहा था क्या किसी की अरे क्या साहब चल रोकड़ा निकल क्या बोलू धंधा बहुत खराब चल रहा है हमेशा का साला रंडी रोना तेरा ये स्टोरी ना किसी और को चिपकाने का दुनिया में जो धंधा गंदा होता ना जग्गू सेठ वो कभी मंदा नहीं होता चल निकल रोकड़ा नहीं पर अरे साला ये चमाल है एसपी साहब को भी कोई तमीज नहीं कुछ टाइम है क्या फोन करने का आते साहब लेना पड़ेगा जय हिंद सर जी सर नहीं सर मैं मंदिर आ जा सर वो दिन में टाइम नहीं मिलता ना सर नहीं मंदिर बंद हो गया मैं बाहर से दर्शन करके हाँ जी नहीं मैं पहुंचता हूँ सर अभी यस सर जी सर अरे साइन हॉस्पिटल में कोई लफड़ा होगा बोलते चल रहे गाड़ी निकल हाँ सर तो कल आके मिल मेरे को चौकी पे तेरे को मैं आके मिलता हूँ कभी फुर्सत में ग्रीन पहना कर अच्छी लगती तू चला रे मंडली जी बिरजू यादव जी वो काम पे गए हम उनकी धर्म ओ मुबारक मुबारक हो महाड़ा से ये लेटर आया है यहाँ साइन कर दीजिए यहाँ पे साइन कर दीजिए अच्छा वो हमें बता रहे थे कि हमें कोई बड़ा घर मिलने वाला है हाँ हाँ वही उसी के बारे में होगा ना वही कंफर्मेशन लेटर हाँ हाँ भैया जी हाँ? रुकिए ना आप इतनी बड़ी खुशी लेके आए मिठाई तो खा के जाइए क्या बात है भाभी जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ अभी लाती हाँ
इसमें तो इनका नाम ही नहीं है। हा? अरे खटखटा के दरवाजा तोड़ दोगे क्या? आ रहा हूँ। अरे रूपा तुम हो? ओह अरे बाप रे, आज चांद किधर से निकला? मैं सोच रहा था कि कोई तो आएगा लेकिन बिरजू तुझे भेज देगा, ये सोचा नहीं। उन्होंने नहीं भेजा, हम खुद आए हैं। क्यों? ऐसे इंसान के पास क्यों आई जिसके पास बीवी नहीं है? क्या झाड़ू डाल के अंधेरी भेजने आई है क्या? नहीं। तो नहाने आई है, पानी नहीं है, पानी कम पड़ गया। हमें माड़ा के अफसर से मिलना है। तो मिलना, अच्छे से मिलना। हमें आज और अभी मिलना है। हाँ चल ना बिंदास, चल मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ, बिंदास मिलना। चल 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 चल। क्या झांक रही, कपड़े सुखा ना। देखने की खुजली साला, कुछ भी अच्छे काम की चलो तो मरभूकों की तरह मतलब नजरें गड़ा के बैठ जाते। अरे उड़ के चलेगी क्या? बैठ ना बैठ। जल्दी बैठ, तू तो दुल्हन की तरह बैठ रही है। चलें। क्या नाम बताया? साबरूपा। अरे तेरा नहीं रे, तेरा नाम तो मालूम है, तेरे पति का। वो बिरजू यादव। तो ये क्यों नहीं बोलती? गांव की है ना, गांव में पति का नाम नहीं लेते। पति का नाम नहीं लेती? जी जी जी। पर पति का सीधी है बेचारी। अरे मेरा मतलब ये है कि घर खर्चे के लिए पति से पैसा तो लेती है ना? वो तो शादी ही की है। अच्छा एक मिनट में देखते हैं, ठहर। क्या नाम है? बिरजू यादव, सावंतवाड़ी। अच्छा ये तो इसमें है, लेकिन अभी क्या है कि डोमिसाइल जो है ना वो नहीं है। क्या है कि अभी नाम जो है केलकर, किसी केलकर से कर लिया क्या? हाँ सब। अच्छा तो इसमें अभी क्या है कि एनओसी लगेगा, इसका मतलब तेरे को एनओसी लेना पड़ेगा और घर का रजिस्ट्री तेरे नाम पर करना पड़ेगा और 15 साल का डोमिसाइल जो है वो लगेगा। साहब ये डोमिसाइल? हाँ हाँ, ये क्या होता है? वो तू मेरे पे छोड़, उसकी फिक्र मत कर। क्या है कि तू ले लेके जान पहचान वाली है, इसलिए मैं तेरे को साफ साफ बोलता हूँ 5 लाख रुपए का खर्चा होगा। 5 लाख? 5 लाख? देख 5 लाख मेरे को दिखाई देंगे तो तेरे पति का नाम इस प्रोजेक्ट में आएगा, वरना 5 लाख बेचारी कहाँ से देगी? कुछ और नहीं हो सकता क्या? तू बहुत इसकी फेवर में बोलता है, कुछ है क्या इसके साथ? पूरी बस्ती में सिर्फ इसी का कैरेक्टर अच्छा लगता है हमें। अच्छा। क्या है कि घर हर आदमी का सपना होता है। हाँ। अब ये अपना सपना पूरा करने के लिए कुछ भी करेगी। हाँ। कुछ भी? हाँ हाँ कुछ भी करेगी, गरीब है बेचारी साहब समझो। गरीब तो नहीं है, खैर तू जा। हाँ। मैं से बात करता हूँ। जी जी आप बात कर लीजिए। हाँ, हाँ। नथु भाई टाइपिंग करो, कान जरा बंद रखो। पेंद्रे जरा चाय का बोलना। देख अभी जो मैं बोलता है ना उसको समझने का है। ऐसा है कि घर तो बहुत लोगों को मांगता है लेकिन सबको तो नहीं मिल सकता ना, जो खर्चा लगता है वो तो करना ही पड़ेगा। अभी तेरे पास तो पैसा है नहीं खर्चा करने को, लेकिन तेरे पास और बहुत कुछ है। मैं सच बोलता हूँ, तेरे पास बहुत कुछ है। मैं साफ साफ बोलता है, एक रात के लिए आ जा, उसके बाद तेरा घर तेरा ही हो जाएगा। आयशा पत। हाँ दूर रख, समझाना नहीं तो ऐसी जगह लात मारेंगे ना कि पूरी जिंदगी अपनी औरत के पास जाने से घबराएगा, और अपना घर रख अपने पास, नहीं जाएगा हमको। ये सुन सुन, तेरे पास 3 दिन का टाइम है, सोच ले। क्या है कि वो तेरा बिस्तर है ना, उसके ऊपर सिर्फ 1 दिन के लिए वो आदमी होएगा जिसका तू नाम भी ले सकती है ना। उसके बाद हमेशा तेरा घर के बाहर तेरे पति का नाम होएगा, है? वरना भूल जा अपने सपने को, हाँ? भूल जा।
आए रूपा, रूपा, ए रूपा, कहाँ कोई हो? हाँ आज आप बड़ी जल्दी आ गए। वो कहा है ना, आज माधुरी फिल्म देखने चली गई, बस हमने सोचा कि हम रूपा से मिलने चलते हैं, हैं? और ये देखो हम तुम्हारे लिए का लेके आए हैं। जी जी बहुत अच्छी है। अच्छी है ना, लेकिन प्यार से लाए तुम्हारे लिए। बहुत महंगी लग रही है। तुम काहे चिंता करती हो सस्ती और महंगी की? अरे अब तो हमें मकान और दुकान दोनों मिलने वाले हैं, और फिर पैसे की भी कोई चिंता नहीं रहेगी, और देखना बहुत जल्दी हमारे घर का लेटर भी आ जाएगा। जी वो माड़ा ऑफिसर। अरे माड़ा ऑफिसर ही तो लेटर भेजेगा ना पागल। हाँ चलो फटाफट साड़ी हमें पहन के दिखाओ ना। हाँ जी आज हम लेले के साथ। अरे लेले से भी हमने बात कर ली है, और हमें उम्मीद है कि आज कल में बस हमारे घर का लेटर आ ही जाएगा। अब तुम ये साड़ी हमें पहन के दिखाओ। और अगर लेटर नहीं आया तो? काहे ऐसी अशुभ बातें करती हो? हाँ तुम तो ये बात अच्छे से जानती हो ना कि इसी एक आस पर तो हमारी सांस चल रही है, वरना कब का हमने अपने आप को इसी घर में फांसी के फंदे पर लटका लिया होता। कैसी बातें कर रहे हैं? कुछ नहीं होगा आपको, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तुम्हारे होते हुए हमें कोई चिंता है भी नहीं, हमारे घर की लक्ष्मी हो तुम। ये सब चिंता करना छोड़ो और फटाफट ये साड़ी हमको पहन के दिखाओ। हम देखना चाहते हैं कि हमारी रूपा इस नई साड़ी में कैसी लगती है। हाँ चलो पहनो फटाफट, हम भी कपड़ा बदल के आते हैं। और रूपा ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो हमारे घर का सपना है ना, वो तुम्हारी किस्मत से ही पूरा होगा, और हम तो आज तक बस इसी उम्मीद में जीते आए हैं कि तुम्हें एक अच्छी सी जिंदगी दें। और मुंबई में अगर एक अच्छा घर ना हो ना तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। झोपड़ पट्टियों में तो सिर्फ उम्मीदें पलती हैं, और सपने सपने तो सिर्फ अच्छे घर में ही पूरे होते हैं। हम दिन रात ऑटो चलाकर मेहनत करते हैं, जब शाम को घर आते हैं तो अपने साथ का लेके आते हैं? सिर्फ थकान। अरे और तो और हम तुम्हें ठीक से दो वक्त का राशन भी नहीं दे पाते। बस एक बार ये घर का मामला फिट हो जाए तो हमारी सारी चिंता दूर हो जाएगी, और फिर हमारे घर में 9 महीने के बाद एक खुशी और आएगी, हमारा बच्चा। अरे हम इतनी देर से बड़बड़ कर रहे हो तुम? रूपा, ए रूपा। और रूपा ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो हमारे घर का सपना है ना, वो तुम्हारी किस्मत से ही पूरा होगा। तुम्हारे होते हुए हमें कोई चिंता है भी नहीं, हमारे घर की लक्ष्मी हो तुम, और हम तो आज तक बस इसी उम्मीद में जीते आए हैं कि तुम्हें एक अच्छी सी जिंदगी दें। और मुंबई में अगर एक अच्छा घर ना हो ना तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। झोपड़ पट्टियों में तो सिर्फ उम्मीदें पलती हैं, और सपने सपने तो सिर्फ अच्छे घर में ही पूरे होते हैं। क्या है कि वो तेरा बिस्तर है ना, उसके ऊपर सिर्फ एक दिन के लिए वो आदमी होएगा जिसका तू नाम भी ले सकती है ना? उसके बाद हमेशा तेरा घर के बाहर तेरा पति का नाम होएगा। तुम तो ये बात अच्छे से जानती हो ना कि इसी एक आस पर तो हमारी सांस चल रही है।
वरना कब का हमने अपने आप को इसी घर में फांसी के फंदे पर लटका लिया होता। अरे कितना इंतजार करवाया मेरी जामुन, आजा, अरे आजा, अंदर आ, अंदर अंदर आजा, 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 अरे बड़ी अकल वाली है तू, आजा आजा, तेरे घर का सपना पूरा करते हैं, आजा, बैठ 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 बैठ, बड़ी देर कर दी रे तूने, सुलझा, बड़ी खूबसूरत है तू, बड़ी खूबसूरत है। अरे रूपा कहाँ गई थी तुम, हम कब से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहे थे। हम अरे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए। वो काहे ना आज हमारा ऑटो खराब हो गया था तो जाकिर भाई बोले कि सोमवार के शाम को देंगे, बस चले आए घर पे। बिरजो अरे यार ये ले ले काहे हमें आवाज दे रहा। बिरजो अरे आ रहे हैं भाई आ रहे हैं, तुम जरा चाय देखना हम जरा लेले से मिलकर आते हैं। अरे लेले भाई क्या हाल चाल है, सब ठीक तो है ना। मैं तो बस मुबारकबाद देने आया था घर के लिए। लेले भाई सुना तो हमने भी है मगर कोई अभी तक सरकारी सूचना नहीं मिली हमें। तुम तो चिंता ही मत करो, तुम्हें तो डायरेक्ट कंफर्मेशन लेटर मिलेगा। ये आपको कैसे पता। अरे देखो तुम्हें अपनी औरत पे भरोसा है ना। बिल्कुल है। और हमें तुम्हारी किस्मत पे भरोसा है। ये तो आपका बड़प्पन है। और जिस घर में साक्षात लक्ष्मी हो उसे तो घर मिलना ही है। और दसो जी क्या हाल है। सर बस बढ़िया हाल है सर, तुसी आ गए बस। सॉरी जी आप लोगों को मेरी वजह से 3 दिन वेट करना पड़ा जी। और की फर्क पैंदा सर, इसी बहाने हमें आपकी दिल्ली देखने का मौका मिल गया। और जी मुझे आपकी हीरोइन। ओ मेरी कितने सर रहते तुम्हारी हीरोइन। नैना आपके माता पिता ने आपका नाम जरूर आपकी आंखों को देख के रखा होगा, बहुत खूबसूरत है। सर योर परखी सर परखी। शी हैज वेरी ब्यूटीफुल आई सर। नैना शो योर आईज। वाकई वेरी वाकई सर वाकई। हाँ तो भाई एडी सर और दसो। सर भाई आपकी कहानी तो मैंने सुनी रखी है सर। माता रानी जानती है कि मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि मैंने फिल्म बनानी है तो आपके ही साथ सर। और बड़े कैनवास पर बनानी है सर, चाहे मुझे उसके लिए अपनी पटियाले वाली एक फैक्ट्री बेचनी ही क्यों ना पड़े। नहीं सर माता रानी भी मेर रही तो सर आप 4 और फैक्ट्री खोलेंगे सर। जरूर 8 तो है, 4 और खुलेंगे तो 12 हो जाएंगे। तो बताओ फिल्म का टाइटल क्या रखा है। सर यू विल गो बंकर्स। है? नहीं सर मेरा मतलब है कि सर आपको बहुत पसंद आएगा सर, ताजमहल मोमेंट ऑफ लव। ताजमहल जी बहुत बढ़िया जी है? आपकी रोमांटिक कहानी पे बहुत सूट करता है जी है? हाँ तो ये बताओ अभी शूटिंग कब से शुरू करनी है। सर स्क्रिप्ट तो पूरी रेडी है सर, माता रानी का आशीर्वाद रहा तो कल से ही शूटिंग शुरू कर सकते हैं सर। नहीं जी कल से नहीं हो सकती जी। अजी टेंशन वाली कोई बात नहीं है जी है? कल तो मैं आप दोनों को साइनिंग अमाउंट जो दूंगा है। आप लोग मेरे छतरपुर वाले नहीं नोएडा वाले फार्म हाउस पर आ जाओ शाम विजिटिंग कार्ड सर, वहीं पर बैठ के बाकी सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी कर लेंगे। जय माता दी सर। जय माता दी। सनी सनी रात
बन जा होने होने आ तू सनी सनी रात है एमे एमे ना तरसा साडी साडी गली एक बारी आ जा दिल दिया गल सुन जा साडे नाड़े ना डर कर ना फिकर कल की खुशियां सभी बोल के तू पी भी ले इस पल की हो ना कल क्या किसको पता है सोच के क्या करना खुद को नशे में आज डुबो दो होश रहे ना जरा गणपति पापा मोरिया। अरे नमस्कार है सर, आइए आइए बैठिए। अरे साहब के लिए कुछ क्या लेंगे साहब? नहीं नहीं कुछ नहीं, आइए आइए। क्या मैं तो आ गया हूँ, तू ही नहीं आया। बोला था ना तेरे को आके मिलने को। वो थोड़ा बिजी था साहब मैं। अच्छा बिजी था, मोटा मानो साला है। साला जिस पावर के पावर से तेरा धंधा चल रहा है वो पावर के लिए बिजी हो गया तू। साला जाओ रोकड़ा निकल। साहब वो धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है साहब। हाँ धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है साहब, थोड़ा वो मैं एक दो दिन का टाइम दे रहा हूँ। मैं खुद आता हूँ। दो दिन के बाद ही आया हूँ मैं। दो दिन क्या सिर्फ अगरबत्ती जला रहा था तू? रंडी की कमाई खाने वाला साला बोलता बिजी था मैं। क्या साहब ये रंडी खाने का कमाई आपका बीवी बच्चे भी तो खाता है ना। क्या बोला साहब? सच बोल रहा है साहब। इधर तुनतुना इलाकर लोग जो देकर जाते हैं ना उसी पैसे का झुंझुना लेकर आप अपने बच्चे के लिए घर जाते हैं, है ना? साहब तेरी साले मादर। क्या कर रहे साहब? तेरी माँ का। ये जादव खाली कर रही जगह। ये चला रहे खाली करवा इसका ये कबूतर खाना। अरे साला ताला लगा जगह पे। और साहब मेरी बात तो सुनो। नहीं नहीं, नहीं अभी तू सुन साला। अरे मैं तो बात सुनता ही नहीं। नहीं चर्बी बहुत ज्यादा हो गई ना, हाथ छोड़। काय को इतना गाली दे रहे साहब? गाली नहीं, ठंडो हो जाओ साहब। माँ का पानी बहन चोद। अभी तेरे को ये पवार का पवार दिखाता मैं। निकाले जल्दी बाहर। चलो चल हीरो चल। अरे चलना बाहर जाके डाल। ए चल टाकना। हाँ क्यों चल चल चला चला चलना टाक हाथ मत गाड़ी देना। चल अंदर बिठा इसको। सब लड़कियों को डाल गाड़ी में जल्दी। हाँ साहब वो लड़के लोग का क्या करना है? लात मार के भगा, उनसे थोड़ी चलता है इस भड़वे का धंधा। अरे पावर साहब इसकी मां, ये भिखारी को पैसा देना ही पड़ेगा। चल चल टाक ना सके ना आत्मा दे। चल माधुरी बैठ। चल बैठ। अरे क्या करिए माधुरी? ऐसा रखना तू नीचे क्यों बैठी है? ऊपर बैठना आराम से कंफर्टेबली एकदम।
मैं नीचे ही ठीक हूँ। अरे लेकिन जीप के नीचे क्या मिलेगा? आने का तो मेरे नीचे है ना। मैं किसी कुत्ते को देगी, तुझे नहीं। बोलते है कुत्ते को देगी। बहुत तकलीफ होगी है। साला आज का दिन ही खराब है। अंदर वो भड़वा बोला, इधर ये साली टांगे खोलने वाली पुलिस वाले के सामने अपना जबान खोल रही है। देखो साहब, दिखा ना, इधर ही दिखाएगी क्या सबके सामने? ऐसे बेशरम टाइप के हो गए क्या एकदम तू? ओ साहब, औरत है, थोड़ा इज्जत से बात करने का ना। अरे ये भड़वे, कितनी भी इज्जत से बात कर लो, शादी तो किसी मर्द से ही करेगी ना। चम मायला। लेकिन साहब, हर मर्द औरत के बिना अधूरा ही होता है ना। अच्छा, ए, मेरे को नहीं मालूम था ये। ए, तुला माई तो तक रहा है ज्यादा। नहीं, तुला माई थी। बहुत बोलने लगा रहे तू हीरो। पावर के पावर का आइडिया नहीं लगता है तेरे को? साले इतना मारूंगा, वापस उधर ही घुसड़ दूंगा जहां से तू निकला है, समझा? हाथ नहीं उठाने का साहब। गाबर लो रे बाबा मी। ए साहब, मारने का नहीं है साहब, है मारने का नहीं। अरे साहब छोड़ दो उसे, उसका कुछ भी नहीं करो साहब। अरे छोड़ दो उसे, उसका कुछ, अरे बेगुनाह को फिर नहीं बोलेगा साहब। अरे बेगुनाह को क्यों मार रहे हो उसे? अरे अरे साहब छोड़ दो इसे। पवार देख, पवार उसका कोई कसूर नहीं, उसे छोड़ दे। हाँ इसको ना बहुत चर्बी चढ़ गया, समझे? तो इधर ही रुक आता हूँ मैं। अरे पवार साहब छोड़ दो ना। पवार साहब अभी किधर से आ रहे रोकड़ा हरमखोर? ले वो बोलते ना साला, जिसकी माँ को भाभी बोलो वही तेरे को काका समझेगा। बिरजू, वरना सामने वाला के सामने झंड फकीर। साला किसने कहा था तुझे उस जानवर से पंगा लेने के लिए? ए साला चलो कर देंगे मार मार के। ए समझा करेगा इसको, हीरो नहीं बनने का, रिक्शा चलाने का क्या समझा? बिरजू चल रहे, गाड़ी काट। हाँ बिरजू, बिरजू बिरजू ठीक हो जाएगा बिरजू। हाँ मादर, चल बिरजू तू भी आ जा। नहीं रे माधुरी, मैं घर जाएगा, रूपा इंतजार करती होगी। रूपा तुझे साल में देखेगी ना तो अवार्ड नहीं दे देगी। तू घर चल, मैं तेरी मरहम पट्टी करती हूँ, फिर चले जाना। आ जा आ जा ना, आ जा बैठ बिस्तर पे। साले को कीड़े पड़ेंगे। क्या जरूरत थी तेरे को उस हरामी के मुंह लगने? अरे वो तेरे को गाली दिया रे। वो मुझे क्या गाली देगा, मेरी तो जिंदगी ही गाली है। मैं खुद नहीं से लड़ पाई तो तू किस किस से लड़ेगा बिरजू? ले लगा के बैठ, खून रुकेगा। ले पैक बना। अब ये किसके वास्ते? पियोगे तो दर्द मिटेगा ना। मैं फ्रेश होके आती हूँ। फोकट का लफड़ा पाल लिया तूने, तू भी ना साला कैरेक्टर है। तो क्या करता मैं वहाँ पे, सिर्फ खड़े होके देखता रहता है क्या? अरे थोड़ा सबर करता ना, जानता नहीं वो साला पवार कितना कमीना है एक नंबर का। अरे रे, उडेलने को नहीं बोला था, पीने को बोला था, धीरे धीरे पीना। माधुरी एक बात पूछूं मैं तेरे से? पूछ। तू ये धंधा छोड़ क्यों नहीं देती रे? छोड़ा उसे जाता है जिसे खुद पकड़ा हो। जब मैंने इस धंधे को पकड़ा ही नहीं तो छोड़ कैसे दूं? और अब तो वक्त के समंदर में इतनी दूर निकल आई हूं कि वापस जाना भी चाहूं तो किनारा नहीं मिलेगा। जब तक जिंदा हूं वक्त के ये थपेड़े ही मेरी जिंदगी है। और वैसे भी मैं अपना शौक पूरा करने इस धंधे में नहीं आई थी। माधुरी तू इतने लोगों के साथ सोई है तो फिर उस वर्दी वाले के साथ क्यों नहीं? क्यों है तेरे को इतनी नफरत उससे? वर्दी? नफरत? सुननी है तुझे उस वर्दी की कहानी? तो सुन। दिल्ली की रहने वाली हूं मैं,
माया गुप्ता नाम था मेरा। बचपन का जमाना कितना खूबसूरत होता है ना, ना कोई दुख ना तकलीफ। मेरा बचपन भी ऐसा ही था, बहुत खूबसूरत। अपने बाबा की लाडली थी मैं, बहुत प्यार करते थे मुझसे और चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ी इंसान बनूं। लेकिन शायद तकदीर को ये मंजूर नहीं था। सारा दिन माँ से पता नहीं क्या क्या सवाल पूछती रहती थी। एक दिन मैंने अपनी माँ से पूछा कि खसम क्या होता है, तो माँ ने कहा कि जब तुम बड़ी हो जाओगी और एक अच्छी लड़की बन जाओगी तो तुम्हें एक जरूर मिलेगा। मैंने माँ से पूछा कि अगर मैं अच्छी लड़की ना बनी तो बोली कि फिर तो बहुत सारे मिलेंगे। बात तो सच ही थी। वैसे मेरी माँ भी कोई अच्छी औरत नहीं थी। मेरे जैसी बुरी भी नहीं थी। मगर जिस औरत को पति के अलावा कोई और मर्द भी बिस्तर पर ले जाता हो, वो कोई अच्छी औरत तो नहीं हो सकती। ये जो कशिश है ना थारे में, ये काई के जो रहना है पूरी बस्ती में, यही मारे थारे दौरे आता हूँ। दूर कहाँ है खड़े हो, पास आओ ना। इतनी जल्दी है? एक दिन स्कूल में तबीयत खराब होने की वजह से मैं घर जल्दी लौट आई। घर वापस आई तो मैंने देखा कि बेटा घर पे पुलिस वाला माँ के कपड़े उतार रहा है। क्या मैंने अपने आंखों से देखा है बाबा। चल मेरे साथ। क्या भाई, चला जल्दी आ गया दुकान से? काम वाम कोई ना था के? चल संभाल ले अपनी लुगाई की, हमारा काम तो हो लिया। चिनार, ये सब घूस रहा है मेरे पीछे। ये लुगाई पे जो लगा रही है, मारे पे लगा? तेरे पे? ये साले। बाबा। साला हाथ उठाता है। साले पुलिस वाले पे हाथ उठाता है। मर गया मेरा बाप। तो वो इंस्पेक्टर बोला कि अब मेरी माँ को भी सूली पर चढ़ना पड़ेगा। तो फिक्र ना कर, सारा मामला रफा दफा कर दूंगा मैं, हूं ना। थोड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।
तो मेरी माँ ने मेरी इज्जत को सूली पर चढ़ा दिया। डरने की बात ना है, हाँ? और फिर एक दिन मैं उस शख्स से दूर भाग आई, यहाँ मुंबई बार में डांसर बन गई, माया से माधुरी बन गई। चंद साल कटे मगर बार बंद होने के बाद मैंने कई जगह जॉब की तलाश की, मगर यहां भी हर शख्स 5,000 की जॉब के लिए रोजाना एक ही जॉब कराना चाहता था। तो मैंने सोचा कि महीना भर काम करने की बजाय क्यों ना मैं भी रोज पैसा कमाऊं। और बस अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है माधुरी, तू चाहे तो इस धंधे से किनारा कर सकती है, किसी अच्छे आदमी से शादी भी मना सकती है। बिरजू, जिन लोगों की जिंदगी काली हो ना, वो भजन नहीं गाया करते। और वैसे भी आज मैं अपने इस हाल से दुखी नहीं हूं। शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, सुहाग रात तो रोज मनाती हूं, पति नहीं मिला तो क्या हुआ, करोड़पति तो रोज मिलते हैं, प्यार नहीं हुआ तो क्या हुआ, आई लव यू तो हजारों के मुंह से सुन चुकी हूं। नैनो की मानी, नैनो ने ये क्या किया।
वासने ना लागे पिया। नैनो से छल के नैनो में छल के तो मीठे नैना दे, नैनो के साए नैनो पे छाए हो जुड़ाए मेरे। नैनो से छल के नैनो में छल के तो मीठे नैना दे, नैनो के साए नैनो पे छाए हो जुड़ाए मेरे। नैना जी, मेरी माता रानी जानती हैं कि आज मैं कितना खुश हूं। आप जैसे टैलेंटेड लोग मेरे साथ हैं, इससे बढ़कर और खुशी की क्या बात होगी मेरे लिए। हैं खुश तो हम हैं कि आप जैसा बड़ा प्रोड्यूसर हमारे साथ है। नैना जी, सच कहता हूं, जिस दिन आपसे मुलाकात हुई थी ना, उसी दिन से आपका फैन हो गया हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे तो इन नैनो ने ठग लिया है। मुझे भी ठग लिया सर। तभी तो 10 करोड़ की फिल्म बना रहा हूँ जी। जय माता दी सर। ये लीजिए 50,000 आपके जी नैना। थैंक यू खन्ना जी। वेलकम जी। सर अजी, आपने मेरी खुशी डबल की है। ये आपका 1 लाख का चेक सर। पहली बनो सर। God bless you. सर, सर मैं आपसे वादा करता हूँ सर, एक ऐसी फिल्म बनाऊंगा सर कि अगले साल के सारे अवार्ड्स हमें मिलेंगे सर। ये सारी जो पॉलिटिक्स और रिजर्वेशंस और दुनिया भर की जो बकवास फिल्में बनती ना सर, ये सब साइड में घूम जाएंगी। मुझे पता है नैना जी, मैंने आज तक कोई घाटे का सौदा किया ही नहीं। एडी जी। हाँ जी सर। आपका एग्रीमेंट तैयार है। हाँ जी सर। आप कल आकर साइन कर दीजिए। हाँ जी सर। आइए नैना जी, आपको फार्म हाउस घुमा देता हूँ, साथ में बातें भी हो जाएंगी। आइए। चलिए सर। आप कहाँ जा रहे हैं? एंजॉय योरसेल्फ, बैठिए एंजॉय करिए। आइए आइए, ये है मेरा छोटा सा फार्म हाउस। वाह, काफी बड़ा और ब्यूटीफुल है आपका फार्म हाउस। पसंद आया आपको? मेरा दूसरा फार्म हाउस तो इससे भी बड़ा और खूबसूरत है। नेक्स्ट टाइम आपको वहीं लेके चलूंगा। सर, आप कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ बात करना चाहते थे? कॉन्ट्रैक्ट? वो सब भी बातें करते रहेंगे, पूरी रात पड़ी है उसके लिए। सर, हम बाहर जाके बात करते हैं। ठीक है, बातें बाहर कर लेंगे, लेकिन बाकी तो यहाँ कर लेंगे। ये आप क्या कर रहे हैं सर? अरे नैना जी, जिस सामान के लिए अभी 50,000 का चेक दिया है, उस सामान को चेक कर रहा हूँ। छी, छोड़ो मुझे। लगता है लड़की अभी पूरी तरह से फिल्मी हुई नहीं है। एडी, हाँ? मुझे अभी वापस जाना है। क्या हुआ? क्या खन्ना साहब ने कुछ कहा? उसने जो कहा बताने लायक नहीं है। ये मेरा जवाब है और मुझे अभी वापस जाना है मुंबई। कूल कूल, यहाँ पर सिर्फ एक खन्ना है, बाहर 50,000 खन्ना मिलेंगे। तुम एक मिनट रुको, मैं अभी बात करके आता हूँ। ओके, तुम रुको बस, मैं अभी बात करके आता हूँ। मुझे मत समझाओ। लेकिन सर, नैना कोई बाजारू लड़की थोड़ी ना है सर। आप पता है, बाजारू होती तो 5,000 में ही मुझे मिल जाती, उसे 50,000 सिर्फ साइनिंग में थोड़ी देता मैं। माता रानी जानती है एडी साहब, मैं बहुत ही साफ कहने वाला इंसान हूं। नैना मेरे बिस्तर पर नहीं आएगी तो तुम्हारी पिक्चर फ्लोर पे नहीं जाएगी। लेकिन सर मैं कैसे? लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जाओ और जाकर उसको समझाओ। तुम दोनों की किस्मत उसके हाथों में है। नैना के कपड़े खुलेंगे तो तुम दोनों की तकदीर खुलेगी। हैं? ये तुम क्या बोल रहे हो? सच बोल रहा हूं नैना, और कोई रास्ता नहीं है। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? हुआ नहीं हूं नैना, हो जरूर जाऊंगा। 6 साल से मेरा कड़ा रहा हूं अपनी अमलों में कि कभी ना कभी तो मुझे ब्रेक मिलेगा, कभी ना कभी तो मैं डायरेक्टर बनूंगा। और आज सारा मौका मिला है तो उसका रास्ता ये है। शी,
मेरे एक बार का कॉम्प्रोमाइज जो है ना हमारे सारी कॉम्प्लिकेशंस मिटा देगा, प्लीज। नहीं, मैं नहीं कॉम्प्रोमाइज करूंगी। गुड, वेरी गुड, नैना, वेरी गुड। बनी रहे फिर जूनियर आर्टिस्ट, ठीक है? सुनती रहे किसी उल्लू के पट्टे डायरेक्टर की गालियां। ए, हटाओ इस लड़की को यहाँ, क्या करे यहाँ पे? ए, मुंह से कपड़ा हटा। वहां पे कपड़ा मुंह पे बांधने से बेहतर है कि एक बार यहाँ पे कपड़े उतार ले। बार बार इंस्टॉलमेंट की बेइज्जती सहने से बेहतर है कि एक बार बेइज्जती का सौदा कर ले। इंडिया गेट पे जब तू अपनी गाड़ी लेके निकलेगी ना, तो कोई माई का लाल उस वक्त बोल नहीं पाएगा नैना कि ये गाड़ी तूने अपनी इज्जत बेच के खरीदी है। साला अगर मैं तेरी जगह पे होता ना, तो एक बार मैं इस मौके को कैश करता। बार बार मरने से तो बेहतर है कि एक बार साला मर ही जाता। समझदार हो नैना, बहुत बड़ी हीरोइन बनोगी देखना। सब सब क्या पैसे तुला साहब? हम रूपा, आपने कहा था ना कि घर का लेटर दे देंगे। लाइए क्या? क्या साहब? 5 लाख रुपए लाइए क्या? लाइए तो लेटर भी ले जा। क्या बोल रहे हो साहब आप? उस दिन तो होटल में आपने हमारे साथ साहब आपने कहा था कि आप हमारे घर का लेटर दे देंगे। तू येड़ी है क्या रे? है थोड़ी देर के लिए तेरे को मैंने अपनी घरवाली क्या बना लिया कि तेरे को पूरा का पूरा घर चाहिए? 5 मिनट के लिए तू मेरे बिस्तर पे रही तो क्या 5 लाख रुपए में छोड़ देगा? लाइए तो ले जा, अभी का अभी पैसा लाइए। साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमने तो सब कुछ आपको दे दिया और आप। अरे जो दिया है उसकी क्या कीमत है? हाँ, क्या कीमत होगी? 5 रुपए होगी ना। ठहर, ये ले, ये 5 रुपए ले। अरे ले, 5 रुपए ले और जाए, निकल ऐसे जा। ये भाड़ू साले, क्या बोली? वही जो तू सुन रहा है, ये 5 रुपए ना जाके अपनी बहन को देना। क्या? चुप हरामखोर, सीधे सीधे हमारे घर का लेटर दे दे, नहीं तो ऐसा फजित करेंगे ना कि तुम्हारी माँ को भी शर्म आएगी कि कैसे औलाद को पैदा किए। ये क्या करेगी तू? सबको बता देगी मैंने तेरे साथ में जो खेला है। जा बता। नहीं सब हम माफ कर दो, हम आपके पैर पड़ते हैं। सब हमारे घर का लेटर दे दो। सब सुन सुन मेरी बात सुन, ये कोई भाजी तरकारी का दुकान नहीं है, सरकारी काम है। सरकारी काम भाजी तरकारी का दुकान की तरह 2 नींबू उठाया फ्री में दे दिया, ऐसा नहीं है। ये पेंट रे, ले जा रहा, ले जा रहा इसको। नहीं नहीं, निकाल बाहर। सब हमसे गलती हो गई, हम सब हम आपके पैर पड़ते सर, सब हमारे घर का लेटर दे दो सर। ये खींच रे, ले जा सर। सब ले जा रे, मर जाएगा सब, पति मर जाएगा सर। बाहर चलो, मरता तो मर जाए, मैं क्या करेगा? दुल्हन तू दूल्हा मैं बन जाऊंगा। रूपा क्या हुआ? हम तो समझते थे कि तुम औरतों के साथ सिर्फ छेड़छाड़ करते हो, लेकिन नहीं, तुम तो बहुत बड़े कमीने निकले। तुमसे मिलने से पहले हम एक घर की इज्जत थे, लेकिन उस महाडा ऑफिसर ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, ना घर मिला और ना रही हमारी इज्जत, और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। लेकिन ये सब बात तुम्हें कैसे समझ में आएगी, क्योंकि तुम्हारी घर की इज्जत तो तुम्हें छोड़कर कब की चली गई है। बहुत गंदा खेल खेला है तुमने हमारे साथ, भगवान तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। खूब काम करना पड़ता है रे बाबा। नमस्ते सर। हाँ रे बाबा। सर वो लेटर दे दीजिए ना, वो रूपा थी ना, वो आपकी क्लाइंट। हाँ जी,
रूपा के घर का लेटर चाहिए तुझे? जी जी वो दे दो ना सर। और वैसे बेचारी गरीब है, और आपको जो चाहिए था वो उसने सब किया, आपको जो चाहिए वो आपको मिल गया, उसको जो चाहिए वो उसको मिल जाए, अपनी जान छूटे, मामला खत्म। बात तो तेरी सही है जी सर, पर वो कहावत तूने सुनी है ना? क्या? शेर के मुंह में खून लगना। तू एक काम कर जी, रूपा से जाके कह हाँ? फिर से एक बार उसे मिलना चाहता हूँ। फिर से एक बार टेस्ट कर लो उसकी चवानी को, उसके बाद फिर उसके घर के बारे में सोचेंगे। टेस्ट तो कर चुके हो, अब कौन सा फ्लेवर चेंज हो जाएगा? दे दो ना लेटर साहब, गरीब है बेचारी और जान पहचान के मेरी, डेली बस्ती में मिलते हैं, क्या सोचेगी मेरे बारे में साहब? क्या सोचेगी? यही ना कि तू भड़वा है। भड़वा। लेटर दे दो साहब उसका। ए, अपनी औकात में रह, असिस्टेंट है असिस्टेंट ही बन के रह, नहीं देता लेटर क्या करेगा? ए, ये क्या कर रहा? इस जूते से बहुत कीड़ों को कुचला है साहब, लेटर दे दे उसका। ए, पागल हो गया क्या? अरे बात कर, क्या कर रहा तू? ए, क्या कर रहा तू? अरे पकड़ो उसको, साले मुझे भड़वा मत कर, पकड़ उसको। क्या कर रहा है तू? पागल हो गया साहब, तू अरे पागल हो गया। ए रुक जा, हट जा, रुक जा, भड़वा मत कर साले। अबे मैं तुझे, साले तुझे धमका लेके आता हूं, साले तुझे पैसे दे दूं, साले बोलने वाले तेरी हाथ जोड़ते हैं तू, साले उनकी औरतों की सब लूटता है, और साले क्या करे तू, मकान के नाम पे बेवकूफ बनाता है लोगों को। अरे रुक जा हरामी, अरे रुक जा पागल हो गया क्या तू? अरे मेरी अरे कितने बार कर दे, हाथ डाल डाल डर दे दे उसका। रूपा अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो? नहीं नहीं, मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें कुछ देने आया हूँ, तुम्हारे घर का लेटर लो। एक बात बतानी थी तुम्हें, मेरे घर की इज्जत मेरी वजह से नहीं गई थी, मेरी वाइफ लूज कैरेक्टर थी, शादी के 3 दिन बाद वो अपने यार के साथ भाग गई थी, वो 2 महीने बाद वो लौटी, वो भी फटे यार, माफी मांगी उसने, मैंने तब भी माफ कर दिया, क्या करता, अपना लिया उसे, साथ फेरे जो लिए थे उसके साथ, लेकिन उस बदचलन लूज कैरेक्टर लड़की ने 7 दिन की भी शर्म नहीं रखी। 1 सप्ताह के बाद मैंने उसको पड़ोस के एक लड़के के साथ, मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा, और बेशर्मी की हद तो तब हो गई जब उसने मेरे खिलाफ मुकदमा किया कि मैं उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करता। मेरी सारी जमा पूंजी मुकदमे में चली गई। रूपा, जिसकी जिंदगी में फूल होते हैं वो फूल बांटता है, हमारी जिंदगी में कांटे हैं तो मैं क्या करता, मैंने कांटे बांटे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये छिछोरा कमीना नहीं है, कमीना नहीं हो सकता मैं, रूपा याद रखना। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इसकी बहन की माधुरी, बिरजू में मुद के आता हूं। चल माधुरी अपन निकलते हैं, चल माधुरी माधुरी। अरे अच्छा हुआ माधुरी तू इधर ही मिल गए, वो क्या पार्टी में शराब और कबाब का फुल अरेंजमेंट था,
लेकिन चूतिया साला शबाब के बारे में भूल ही गया। चल तू बैठ ऑटो में, निकलते हैं अभी। रुकना है किधर? चल माधुरी, चल माधुरी, बात करो ना, रुक। समझता नहीं है ये कौन है, कौन है तू? तू तो वही है ना जो मेरे को औरत के नीचे वाला डायलॉग बोला था? तोड़ के जवाब दिया था मैं तेरे को, लेकिन तू फिर से तन के खड़ा हो गया साला। लगता है थोड़ा और तगड़ा जवाब देना चाहिए था। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। अब ना माधुरी, मैं डिसाइड हो गया हूं, आज मैं तेरे को पप्पू से मिलवा के रहेगा, खत्म। चल गाड़ी में बैठ, उसको कहीं और लेके जाने का है मेरे को। माधुरी का टाइम टेबल बहुत बोल रहा है तू। हाँ? मैं पियूं, तू तो होश की खा। इतना मारूंगा तेरे पिछवाड़े, जिंदगी भर साला सर के बल बैठेगा, साला उल्टा, समझा? बिरजू तू जा, तू बैठ ऑटो में, मैं तेरे को अकेला छोड़ के नहीं जाएगा। हाँ? तू जा ना, मैं इसे संभाल लूंगा। हाँ, संभाल लेगी वो, चल जा। जा बिरजू, जा, तुझे रूपा की कसम। रूपा की कसम, चल जा, चल जा, तू निकल। तू कहती है तो जाता है मैं। चल, जन्नत दिखाता हूँ तेरे को। वैसे कौन है ये शुद्धिया? दोस्त है। दोस्त? मतलब इसको बिना पैसे के देती है? ए पवार, देख अपने काम से काम रख तू। हाँ ओके ओके, गुस्सा मत हो ना रानी। कैसा डायलॉग मारा था तूने मेरे को कल? कुत्ते को देगी लेकिन तेरे को नहीं देगी पवार। देख ये रमाकांत रांगोजी पवार तेरे प्यार में कुत्ता हो गया। सच्ची में आई शपथ रे, तू है ऐसी टिच एकदम। अभी क्या कर देना अपन, एक मस्त कोना ढूंढते हैं। रहने देना, अभी क्या है, कोना ढूंढते अंधेरे में, उधर जाके अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, तब तेरे को मालूम पड़ेगा कि मर्द से पाला पड़ा है तेरा। और प्रॉमिस है आज के बाद तो ढूंढते आएगी इस पावर को। आजा चल। अरे अब हमें दिखा भी दो लेटर या खुद ही देखती रहोगी? देखें जरा। रूपा, हमने सही कहा था ना कि हम बहुत जल्दी अपने घर में जाएंगे, बड़ा घर, दुकान और डेयरी, अब सब कुछ होगा हमारे पास। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। अरे क्या हुआ, तुम काहे खुश नहीं हो? नहीं, हम तो बहुत खुश हैं। तुम्हें खुश होना भी चाहिए, क्योंकि ये सब जो हमें मिला है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हमें मिला है। पता है, बहुत भोली हो तुम। एक बात बताएं तुम्हें, माहड़ा में बहुत सारे लोगों के लेटर अटक के रह जाते हैं। एक बात कहें रूपा, जब से हम तुम्हें ब्याह के लाए हैं ना, धीमे धीमे हमें सारी खुशियां मिल गई। वो कहते हैं ना कि घर को बनाने वाली भी औरत ही होती है और बिगाड़ने वाली भी, और इस मामले में हम अपने आप को बहुत खुश नसीब समझते हैं कि हमें तुम जैसी घर बनाने वाली औरत मिली है। आज घर मिला है, कल को घर में खेलने वाले बच्चे भी मिल जाएंगे। क्यों, दोगी ना हमें एक प्यारी सी बिटिया जो तुम्हारी तरह सीधी सच्ची और चरित्रवान हो, जो बिल्कुल मेरी रूपा की परछाई हो। अरे क्या हुआ, काहे रो रही हो तुम? हाँ
बताओ हमें क्या हुआ। हम आपके लायक नहीं है और ना ही हम चरित्रवान हैं। हमने तो आपका भरोसा तोड़ा है, भरोसा तोड़ा है। लेकिन और झूठ बोल के हम नहीं जीना चाहते, नहीं जीना चाहते। अरे बताओगी भी, तुमने हमारा कौन सा भरोसा तोड़ा है? वो लिस्ट में आपका नाम नहीं था। कहाँ? लिस्ट में हमारा नाम नहीं था? वो ये था कि जब पहली बार चिट्ठी आई थी तो लेले मुझे मार्डा ऑफिसर के पास लेके गया और उसने माफ कर दीजिए। अरे कैसे माफ कर दे हम तुम्हें? हमने तुम्हें अपने घर की लक्ष्मी समझा था, तुमने क्या किया? हमारा पूरा भरोसा तोड़ा है तुमने। हमने जो कुछ भी किया आपकी खुशी के लिए किया। नहीं, हमें माफ कर दीजिए। नहीं माफ कर सकते हम तुम्हें। अब रहना उस घर में जिंदगी भर अकेले, समझे? समझौता किया था ना तुमने, अब एक समझौता और करना, उस घर में रहना हमारे बगैर। हम जा रहे हैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के। नहीं। छोड़ दो हमको। नहीं। हम कह रहे हैं नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। नहीं, हमें छोड़ के बच जाइए। छोड़ो हमारा पैर। कहाँ जा रहे हैं? हट जाओ, हमें रोकने की कोशिश ना करो, हम मर जाएंगे। हमने जो कुछ भी किया आपके लिए, हमें माफ कर दीजिए, हम मर जाएंगे। आप इस तरह छोड़ के हमें जाएंगे? मर जाओ, दूर हटो। It's looking at the fact कि ये आज की सबसे romantic film होगी। I can vouch and say कि इस decade की ये सबसे romantic और खूबसूरत film होगी। Eddie, congratulations! Are your debut director Avengers Tajmal? अरे तू तो director बन गया, I'm proud of you, my boy. Thank you, sir. Thank you so much. All the best to you, Eddie. Thank you. Oh, Eddie, याद रखना, तुम्हारी ताजमहल box office पे धूम मचा देगी। और अवार्ड्स की तो बहुत सारी बरसात होगी। Mark my word. Thank you, sir. All the best. All the best to you. And with all your blessings, sir, ये फिल्म जो है आपकी सारी फिल्मों से बड़ी हिट होगी। जी हाँ सर। और सर आपको याद है आपकी फिल्म में जो जूनियर आर्टिस्ट थी नैना? नैना? वो जूनियर आर्टिस्ट? यस सर। जिसको आपने धक्के मार के बाहर निकाला था? सर वो जो है इस फिल्म से अपना डेब्यू करेगी, हीरोइन बनेगी और मैं उसे सुपरस्टार बनाऊंगा। नैना इस फिल्म की हीरोइन है? जी सर। आज मेरा स्कोर 25 हो गया है नई हीरोइन के साथ काम करने का। सिल्वर जुबली मैन। हे विक्रम,
सलाम। हे सुबी। अरे नई फिल्म ताजमहल के लिए मुबारक हो। थैंक यू। लेकिन अभी भी तुम्हारा नई हीरोइन के साथ का स्कोर 25 नहीं 24 ही है। नहीं नहीं 25 है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। अरे इस हीरोइन के साथ तो तुम पहले ऑलरेडी काम कर चुके हो। आई डोंट थिंक सो। अरे हम दोनों साथ में शूट कर रहे थे तब एक लड़की मुंह से कपड़ा उठाने के लिए मना कर रही थी। ये वही जूनियर आर्टिस्ट नैना है। ये नैना वही लड़की है? हाँ विक्रम। हाँ मैंने कहा नहीं। लेकिन सर शायद आप जानते नहीं, नैना जो है उसने इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत की है। शी इज अ गुड आर्टिस्ट। तो मैं क्या कोई स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ जो किसी भी जूनियर आर्टिस्ट के साथ काम करने को तैयार हो जाऊं? सर शी इज नो मोर अ जूनियर आर्टिस्ट। प्लीज मत भूलिए पहले आप ही स्ट्रगलर थे। तू मुझे स्ट्रगलर बोल रहा है? यू आर कॉलिंग मी अ स्ट्रगलर? सुन तेरे को डायरेक्टर बनना है ना, हाँ कि जिंदगी भर असिस्टेंटगिरी करनी है? एक बात ध्यान से सुन ले, ये इंडस्ट्री हीरो को सलाम करती है, हीरो को, तेरे जैसे चिल्लर को नहीं, समझे? और अगर मैं उसके साथ काम करने को तैयार हो जाऊं तो इंडस्ट्री वाले क्या कहेंगे कि विकी किसी भी एरिक गैरी जूनियर आर्टिस्ट के साथ काम करने को तैयार हो जाता है? इट्स अ शेम मैन। और अगर तू ये चाहता है कि मैं ये फिल्म करूं तो उसको चेंज कर, वरना मैं चेंज कर लेता हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड नैना यार। अब वो विक्रम तुम्हारे साथ काम करना नहीं चाहता तो क्या मैं उसको खींच के लेकर आऊंगा? तुम इस फिल्म में रहोगी तो फिल्म ही बंद पड़ जाएगी, एटलीस्ट मेरा करियर तो बन जाने दो यार। तुम्हें अपने करियर की पड़ी है तो मेरे बारे में सोच भी नहीं रहे। एडी मैंने तुम्हारी वजह से उस खन्ना के साथ अपनी इज्जत पर दाग लगा लिया। ए, क्या दाग वाग? क्या तुमने ऐसा पहली बार किया है क्या? नहीं ना वर्जन थी तुम, जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारी मर्जी थी, किसी ने जबरदस्ती नहीं की तुम्हारे साथ। और अगर मुझे डायरेक्टर बनना है ना, ये सब मुझे करना होता तो मैं भी कर लेता, यही हमारी इंडस्ट्री है। और जो हो रहा है वो मेरी किस्मत है, चला। किस्मत नहीं आदि, वो तुम्हारी किस्मत नहीं है, तुम्हारे लिए मेरा प्यार था। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? और ये मत भूलो आदि कि ये फिल्म तुम्हें मेरी वजह से मिली है, मेरी वजह से। घंटा तुम्हारी वजह से मिली है, ये फिल्म मुझे मेरे कन्विक्शन, मेरे पैशन और मेरे मोहब्बत, मेरे करियर की वजह से मिली है। और जहां तक रहे मौके मिलने की बात, तो मैं लड़का हूं, जिंदगी मुझे सिर्फ एक मौका देगी। तुम लड़की हो, तुम्हें तो चलते फिरते यहाँ वहाँ मौके मिल जाएंगे। जिंदगी 50-50 होती है मैडम, कभी हार तो कभी जीत होती है। आज अगर मेरी जीत है, हो सकता है कल फिर तुम्हारी बारी हो। चलो फिर शायद मिलेंगे। था मैंने कभी ऐसा भी दिन आएगा, जो ख्वाब मेरी आंखों में था अश्कों में बह जाएगा। अब तो पानी भी प्यास को मेरी बुझा ना पाएगा, कोई किनारा ना मिले की लगी बद्दुआ रबा, तेरे सजदे में है सर झुका। दीपाली हमारी किस्मत में जूनियर आर्टिस्ट बनना ही लिखा है, हीरोइन ना सही ऐसे ही सही, पर पर्दे पर तो आ ही रही हो ना। रास्ते में है अंधेरे, रोशनी ना है कहीं, दूर तक फैले उजाले फिर भी कुछ दिखता नहीं। कोई रास्ता तो दिखा दे मुझे, किसी रास्ते से मिला दे मुझे, कोई किनारा ना मिले रबा, जाने की लगी बद्दुआ रबा, तेरे
सजदे में है सर झुका रामा, जाने किसकी लगी बद्दुआ रामा, तेरे सजदे में है सर झुका। बिरजू बिरजू क्या हुआ, घर नहीं गया आज? कौन सा घर माधुरी, रूपा ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। धोखा? अब तू ही बता माधुरी मैं क्या करूं, रूपा ने मेरे प्यार को गाली दी है, मेरा भरोसा तोड़ा उसने। तू भी ना एक नंबर का चूतिया है चूतिया, मेरे साथ भी तो सोया था ना तू, तो क्या रूपा के प्यार के साथ धोखा नहीं था? हाँ ये बात तू भी अच्छी तरीके से जानती है, वो सब हालात से मजबूर होकर हमने किया था, लेकिन रूपा तो जानबूझ के सोई ना। बिरजू रूपा ने जो कुछ किया उसने भी तो हालात की मजबूरी की वजह से किया, बेशक उसने जानबूझ के ये सब किया, मगर किया किसके लिए? तेरे लिए। बेशक वो किसी दूसरे मर्द के साथ सोई, मगर किसके लिए? तेरे सपनों को सच करने के लिए। यही प्रॉब्लम है हम लोगों की, हम गलती करें तो माफी मांग लेते हैं, कोई दूसरा गलती करे तो इंसाफ मांगते हैं। साली जिंदगी है ही 50-50। किसी की काली जिंदगी में उम्मीद की सफेदी, तो किसी की सफेद जिंदगी में समझौते का काला दाग। तेरा क्या, तू तो ऐसे ही बोलेगी ना? मैं ऐसा बोलूंगी और क्या, तेरा क्या? क्यों? क्योंकि मैं धंधा करने वाली हूँ इसलिए। ए बिरजू मेरी बात गौर से सुन तू, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो इस धंधे में अय्याशी के लिए आती है, समझा? पता है मुझे जिंदगी जरूरतों के हिसाब से गुजारनी चाहिए, ना कि ख्वाहिशों के हिसाब से, क्योंकि जरूरतें साला फकीर की भी पूरी हो जाती है, मगर ख्वाहिशें ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती है। जो लड़की रोज सुहाग रात मनाती है वो कभी अपने सुहाग के साथ नजरें नहीं मिला सकती, क्योंकि जो लड़की अपना जिस्म बेचती है उसके साथ उसका जमीर भी बिक जाता है। मैंने अपना जिस्म जरूर बेचा है, मगर मजबूरी के लिए, अय्याशी के लिए नहीं, मस्ती के लिए नहीं। इसलिए जानती हूं मैं कि मजबूरी क्या होती है। रूपा ने अपनी जिंदगी को दागदार जरूर किया है ताकि तेरी खुशियों को नजर ना लगे। और हां, जिस काम से कुछ अच्छा होना वो काम कभी गलत नहीं हो सकता। सच कहती है तू, मुझे घर वापस जाना चाहिए, बहुत बड़ी गलती कर रहा था मैं। अब तू जा, सुबह जल्दी आ जाना। सुबह? सुबह या शाम को? सुबह स्टेशन छोड़ने जाना है तुझे, मुझे दिल्ली जा रही हूं मैं हमेशा के लिए। दिल्ली जाके क्या करेगी तू?
कुछ तो करूंगी। माँ वाला धंधा करके देख लिया ना, कुछ नहीं मिला, अब बाप वाला धंधा करके देखूंगी। भगवान की फोटो बेचूंगी, शायद इसी तरह मेरे गुनाहों का प्रायश्चित हो। जा जा ना, तू कहती तो जाता है मैं। जा जाता है मैं। तुम्हारे बगैर रूपा, हमें बहुत बड़ा पाप किया है, हमें मर जाने दीजिए। अरे पागल, जो तूने किया है वो सब हमारे लिए ही किया है। हमें ही पागल थे, हम ही गलत थे जो तेरे जैसे हीरा को कांच समझ बैठे। तेरे त्याग को पाप समझा है हमने, हम तेरे गुनहगार हैं, हमें माफ कर दो। अरे हमने बहुत जुल्म किए तुम पर, ये बात हमें बहुत अच्छे से पता चल चुकी है कि लोगन की इच्छा पूरी करने के लिए तारे को खुद ही टूटना पड़ता है। टूट गया हमारा तारा। अरे तू हमारा तारा है, तू हमारा वो ही तारा है। माफ कर दो रूपा, भगवान कसम तुम पे कभी हाथ नहीं उठाएंगे, बहुत प्यार करते हैं तुमसे, बहुत प्यार करते हैं। अरे नहीं जी पाएंगे तुमसे अलग रह के, हमें माफ कर दो। अरे हम एक पल नहीं जी पाए तुम्हारे बगैर, इतनी बड़ी जिंदगी कैसे जिएंगे। हमें माफ कर दो रूपा। यूं तो कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। हमें तो लगता है कि लाइफ एक आइसक्रीम है, टेस्ट करोगे तो भी पिघलेगी, वेस्ट करोगे तो भी पिघलेगी। सो टेस्ट इट, डोंट वेस्ट इट, एंजॉय योर लाइफ। Thank you.